बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस वीडियो इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मार्च 2021 अटेम्प्ट। इस क्वेश्चन में एक्चुअली एक इंडिविजुअल का केस डिस्कस हुआ है, डॉक्टर जमाल इसका नाम है, और इसकी एम्प्लॉयमेंट से इसको कुछ बेनिफिट्स मिले हैं सैलरी के हेड के अंदर, और उनकी जो टैक्सेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन बेसिकली ये बना हुआ है। आपने एडवाइस करना है मिस्टर जमाल को अबाउट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल। इसमें एक्चुअली एडवाइस करने का मतलब ये है कि इसमें कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है कि वो जो एक्सरसाइज करके अपनी टैक्सेशन डिफरेंट तरीके से कर सकता है। तो हम इसके देखते हैं कॉन्टेंट्स क्या क्या है सवाल में, फिर उसके ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है टैक्स लॉ की रोशनी में। ऑन 31 December 20X1 Dr. Jamal resigned from his employment with General Hospital Limited in January 20X2. He received following amounts in final settlement. अच्छा, अब इसमें जो years के नाम है वो आप अगर थोड़ा सा जब question को पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये W8, W9, X0, X1, तो ये इस तरह करके years दिए हुए, यानी कि W8, W9 के बाद X0, X1, X2, ठीक है। सो ये डिफरेंट ईयर्स इसके अंदर बताए हुए सवाल में, मुख्तलिफ तरीके थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे इसका मतलब ये कि सीक्वेंस ऑफ ईयर्स वो थोड़ा सा अपने जहन में पहले क्लियर कर लो। सवाल में अगर आप देखेंगे तो ये आपसे किस साल की, किस टैक्स ईयर की कैलकुलेशन मांग रहा है, टैक्स पेबल बाय हिम फॉर टैक्स ईयर 20X2, ठीक है। सो 20X2 की एक्चुअली इसने आपसे कैलकुलेशन मांगी है, तो इट मींस के 20X2 इस साल की हमने कैलकुलेशन बनानी है, और कुछ प्रीवियस इंफॉर्मेशन भी सवाल में पिछले सालों की दी हुई है, बट वी हैव टू मेक आर कैलकुलेशन फॉर दिस ईयर। नाउ जो इंफॉर्मेशन है वो ये कि 31 December 20X1 को इसने रिजाइन किया है, ठीक है, और उसको इन जनवरी 20X2 ही रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट्स इन फाइनल सेटलमेंट। और ये जनवरी 20X2 में अगर मिले हैं तो इसका मतलब बिल्कुल टैक्स ईयर जो है वो X2 ही बनता है, क्योंकि ये कब से कब तक का पीरियड होगा, ये होगा जुलाई X1 से लेकर जून X2, ये हमारा रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर है, टैक्स ईयर है जिसके ऊपर हमने कैलकुलेशन बनानी है। तो पहली अमाउंट जो यहाँ पे बताई हुई है दैट इज 600,000 एज लीव इन कैशमेंट। नाउ लीव इन कैशमेंट टैक्स लॉ की प्रोविजन पहले देख लेते हैं वो क्या है, कि हमने काफी क्लियरली नोट्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि लीव इन कैशमेंट एक ही तरह की है जो कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। कौन सी वह लीव इन कैशमेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, ये सिर्फ और सिर्फ जो लीव प्रेपरेट LPR की एनकैशमेंट होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की या मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस की, ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। इसके अलावा किसी भी किस्म की लीव इनकैशमेंट हो तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 600,000 है ये तो सीधा सीधा एक टैक्सेबल अमाउंट है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि मेरा जो पहला अमाउंट है दैट इज लीव इनकैशमेंट वो 600,000 बिल्कुल एक जो टैक्सेबल अमाउंट है उसके अंदर कैटेगराइज होगा। उसके बाद दूसरी अमाउंट है 85,10,000 फ्रॉम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। नाउ अगेन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से जो अमाउंट मिलती है उसका टैक्स लॉ में ट्रीटमेंट ने बड़ा क्लियरली डिस्कस किया हुआ है कि अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा तो उससे जिस वक्त एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलेगा तो दैट विल बी द होल अमाउंट ऑफ बैलेंस विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। तो अब ये जो 85,10,000 है दिस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो अब जो प्रोविडेंट फंड है उसको हम मेंशन कर लेते हैं कि जो प्रोविडेंट फंड है चूंकि वो रिकॉग्नाइज्ड है और 85,10,000 रुपए ये जो मिल रहे हैं ये एग्जेम्प्ट इनकम है, इसको टैक्स कैलकुलेशन में नहीं लेकर आएंगे हम, अलबत्ता ये जो है आपकी टैक्सेबल अमाउंट होगी 600,000। उसके बाद तीसरी फिगर है दैट इज 1.3 मिलियन एंड 1.7 मिलियन एज सैलरी एरियर्स रिलेटिंग टू टैक्स ईयर 20W9 एंड X0। सो 20
W9 और X0, ये पिछले सालों के कुछ सैलरी के एरियाज हैं जो इसको मिल जाके किस साल में रहे हैं 20X2 के अंदर। अमाउंट्स कितनी कितनी है? 13 लाख और 17 लाख। सो 13 लाख इस साल से रिलेट करता है और 17 लाख इस साल से रिलेट करता है, लेकिन ये दोनों अमाउंट X2 में रिसीव हुई है। नाउ इसका जब आपको सैलरी एरियाज में मिले तो इस पर टैक्स लॉ क्या कहते हैं? टैक्स लॉ ये कहता है कि अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आप चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका चॉइस है कि आप इसको अक्रूअल बेसिस पे टैक्स कर लें। अब अक्रूअल बेसिस पे टैक्स कर लें तो क्या मतलब, या आप इस स्लाइड को रिवाइज कर लीजिएगा, बड़ी दफा हमने इसको अपने सेशंस में भी डिस्कस किया हुआ है। अक्रूअल बेसिस पे टैक्स कर लेने का क्या मतलब, अगर सैलरी के एरियाज मिल रहे हैं, मतलब ये कि वो जिस साल से रिलेट करता है उसी साल में टैक्स होगा। यानी अब मेरे पास वी हैव अ चॉइस हियर, और वो चॉइस क्या है हमारे पास? चॉइस ये है कि हम चाहें तो इस 13 लाख को W9 में ही टैक्स कर लें और 17 लाख को X0 में टैक्स कर लें, में टैक्स कर लें, ठीक है। तो चॉइस नंबर वन तो ये है, ऑप्शन नंबर वन ये है कि जिस साल से रिलेट करता है उसी साल में टैक्स हो, और ऑप्शन नंबर टू मेरे पास ये है कि इन दोनों अमाउंट्स को मैं उठा के ले आऊं इस साल में, यानी कि 13 लाख और 17 लाख, इन दोनों अमाउंट्स को मैं इसी साल में 20X2 के अंदर टैक्स कर लूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं ऑप्शन टू पे जाऊंगा तो मैंने इन अमाउंट्स को इस साल में ऐड करना होगा, अपनी टैक्सेबल इनकम बनानी होगी और फिर उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स अप्लाई कर देना, जिससे कैलकुलेट हो जाएगा कि मेरा टैक्स कितना बनता है, ठीक है, टैक्स पेबल कितना बनता है। और ऑप्शन वन पे अगर मैं जाता हूँ तो फिर इसका मतलब ये कि इसको W9 की ही जो इनकम होगी, उसमें ऐड करना होगा, और इसी तरह X0 की जो इनकम होगी उसी में इसको ऐड करना होगा, और फिर उसके बाद एक टैक्सेबल इनकम दोबारा से बनेगी, टैक्सेबल इनकम W9 की भी दोबारा बनेगी और X0 की भी दोबारा बनेगी। तो अगर ये इनकम्स दोबारा कैलकुलेट होंगी तो इसका मतलब इसके ऊपर टैक्स भी दोबारा कैलकुलेट करना होगा, तो वो दोनों टैक्सेस मुझे कैलकुलेट दोबारा से करने पड़ेंगे। नाउ अगर W9 की इनकम में ऐड करना है तो इसका मतलब ये इनकम पे W9 में एक्चुअली कितनी थी वो पहले से पता होनी चाहिए, तो वो आपको सवाल के अंदर उसने बताई है, ठीक है। सो 20W9 की इनकम बताई हुई है 32 लाख रुपए और X0 की इनकम बताई हुई है 38 लाख रुपए, ठीक है। सो 32 लाख यहाँ पे एक्चुअली जो पहले से इनकम मौजूद है दैट इज 32 लाख, और जो दूसरी इनकम मौजूद है दैट इज 38 लाख, 3.8 मिलियन। तो हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि 38 लाख रुपए यहाँ पे है आपके पास, ठीक है। ना अब इसका मतलब हम दोबारा से अपनी एक टैक्सेबल इनकम की अमाउंट हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी और हम उसके ऊपर फिर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और इन्फॉर्मेशन क्या है जी सवाल के अंदर? ओके, डॉक्टर जमाल हैड रिसीव मंथली सैलरी ऑफ 5 लाख फ्रॉम जुलाई 20X1 से दिसंबर 20X1। ये अब किस पीरियड की बात हो रही है? ये इस पीरियड की बात हो रही है, जुलाई 20X1 से लेके दिसंबर 20X1 तक, यानी कि टैक्स ईयर X2 की बात हो रही है। तो अगर वो मैं सैलरी जो ये रिसीव करता था वो तो डेफिनेटली X2 से ही रिलेट करेगी, और वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5 लाख अगर मंथली सैलरी है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, ठीक है। सो दिस वॉज द अमाउंट 5 लाख, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूंगा तो ये मेरी सैलरी आ जाएगी। सो 3 मिलियन ये अमाउंट हो जाएगी, 1 0 कम लगा दिया, 3 मिलियन हो गया, ये सैलरी यहाँ पे आ जाएगी। अब हम हमारे पास क्या तरीकेकार होगा जी? एक तरीकेकार ये है जो कि हमारे पास चॉइस नंबर वन है, ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन है। ये क्या है कि इन सारी इनकम्स को जमा कर लें और इसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई कर लें, ठीक है। टैक्स रेट कहाँ से आएगा? टैक्स रेट आपको एग्जाम में गिवन होता है, वो ये एंड पे दिया हुआ, टैक्स रेट फॉर सैलरीड इंडिविजुअल। सो ये आप, मैं इससे ज्यादा स्पून फीड नहीं करूंगा इस सवाल को। आपने क्या करना है, आपने
ये एक टोटल बनाना है, और उसके बाद वहां से टैक्स रेट्स देखकर इसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करने के बाद वर्कआउट कर लेना है कि टैक्स की अमाउंट कितनी बनती है। ठीक है, सो ये जो अमाउंट है इसको एक जगह पे लिखें। उसके बाद आपके पास जो फर्स्ट चॉइस मौजूद थी वो ये कि आप इसको एरियाज में टैक्स कर लेते। एरियाज में टैक्स कर लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि 6 लाख और 30 लाख यानी कि 36 लाख उसको टैक्स किया जाएगा X2 में, लेकिन जो बाकी अमाउंट्स हैं यानी 32 लाख में ये 13 लाख जमा करेंगे और एक टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ये जो टैक्स कैलकुलेट होगा फिर देखेंगे कि एक्चुअली आपने W9 में कितना टैक्स पे किया हुआ था, ये 4,04,500 ये आपने ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ। तो यहाँ पे जो टैक्स आप वर्कआउट करोगे, इधर जो वर्कआउट करोगे उसमें से वो माइनस कर देना, तो जो बैलेंस बचेगा इसका मतलब वो आपने फर्दर टैक्स पे मजीद टैक्स अदा करना है। इसी तरह यहाँ पे X0 में 38 लाख आप ऐड करेंगे, ये जो इनकम बनेगी इसके बाद इसके ऊपर अगेन टैक्स रेट्स अप्लाई करेंगे आप। टैक्स रेट्स अप्लाई करने के बाद एक टैक्स की अमाउंट बनेगी, उस टैक्स की अमाउंट में से माइनस कर लेंगे कौन सा, जो ऑलरेडी पेड है। ठीक है, ऑलरेडी पेड, तो इसका मतलब कि अब मजीद फर्दर कितना पे करना है वो यहाँ से भी वर्कआउट हो गया, वो यहाँ से भी वर्कआउट हो गया। तो ये Figure 1, Figure 2 और एक थर्ड फिगर बनेगी जो इस 6 लाख और 30 लाख को जमा करके आएगी। इन तीनों फिगर्स को जमा करेंगे तो आपके पास इस चॉइस 1 में जो टैक्स बनता है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप ये चॉइस 1 का टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे तो इसमें जो चॉइस नंबर 2 थी आपके पास उसके टैक्स के साथ इसको इस टैक्स के साथ इसको कंपेयर कर लेंगे, तो इससे पता चलेगा कि कौन से ऑप्शन के अंदर टैक्स लाइबिलिटी कम बन रही है। जिस ऑप्शन में टैक्स लाइबिलिटी कम बन रही है आप उसको ऑप्ट करेंगे, एज अ टैक्स कंसल्टेंट आप सजेस्ट करेंगे कि मेरे ख्याल में ये वाला चॉइस ज्यादा बेहतर है। न्यूमेरिकली मैं इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आईकैप का सजेस्टेड सोल्यूशन आ चुका है, तो वहां से आप फिगर वर्क फिर आप वहां से देख लेंगे। ओके, दिस वॉज अबाउट पार्ट ए। पार्ट बी में क्या है जी कि डॉक्टर जमाल इज प्लानिंग टू एस्टेब्लिश अ हॉस्पिटल एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस द कंडीशन दैट शुड बी कम्प्लाइड विद बाई डॉक्टर जमाल अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए आपको कौन सी कंडीशन पूरा करनी पड़ती हैं, इसके लिए आप एक दफा आपके स्टडी टैक्स के अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के की डेफिनेशन है पेज 46 के ऊपर दी गई है। ना इसमें बताया हुआ है कि मीन्स एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, अदर देन इंडिविजुअल का मतलब ये कि या तो फिर कंपनी बनेगा या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनेगा। तो एओपी या कंपनी के तौर पे आप अपने आप एस्टेब्लिश करेंगे, विच इज एस्टेब्लिश फॉर रिलीजियस एजुकेशन चैरिटेबल वेलफेयर और डेवलपमेंट पर्पजेज और फॉर प्रमोशन ऑफ एनी एमेच्योर स्पोर्ट, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। तो ये तीन कंडीशन है, यही वो आपसे पूछ रहा है। आखिर में एक और बात ये लिखी हुई है कि नन ऑफ द एसेट्स ऑफ सच पर्सन आर अवेलेबल फॉर प्राइवेट बेनिफिट टू एनी पर्सन। तो ये कुछ कंडीशन है, ये आपने रिप्रोड्यूस कर देनी है एंड दिस क्वेश्चन 1 विल बी डन। ओके जी, सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। आई सी यू फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, सलाम।